जबरदस्त सुरंग दिखाता हूँ मैं आपको। ये कहाँ मैं आ गया, यहाँ से और यहाँ से एक सुरंग, दूसरी सुरंग, तीसरी सुरंग, और ये ऐसे जाता था। इन टनल्स में से पानी जाता था, इसको रेगुलेट करते थे यहाँ पर इंजीनियर, और यहाँ से बिजली वगैरह बनाई जाती थी। देखिए क्या मोटे मोटे पिलर भाई, देखिए पानी कहाँ से आया हुआ है। सुनो भाई देखो, इधर पानी निकल रहा है इसमें से कहाँ से। ये कुछ प्राचीन अवशेष देखिए कितने जबरदस्त। ये है समय को भी जीत लेने वाला 150 साल पुराना यमुना नदी का अथाह जल प्रवाह, जिसने दिन रात मैनेज किया। यहाँ इतनी जबरदस्त लोकेशन है कि शायद यह फिल्मों की और सीरियल्स की शूटिंग हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राइजिंग रुद्रा टीवी। आज मैं आपको दिखाने लाया हूं अंग्रेजों का बनाया हुआ 150 साल पुराना उत्तर भारत का एक ऐसा बेमिसाल बांध या डैम, जिसे आप देखकर हैरान रह जाएंगे। 150 साल पुराने ताजे वाला बैराज के इस मैमथ मजबूत बांध के बैराज के अवशेषों में मैं खड़ा हुआ हूँ। मेरे पीछे देखिए, कभी इतना जल भी भरकर यहाँ से चलता होगा, करीब 106 फुट या मीटर ये जो भी रहा है जल स्तर इनका। सोच कर देखिए कभी कितनी ऊंचाई तक यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ अंग्रेजों के समय में और 1999 तक भी इसी ताजे वाला बैराज में धुआंधार जल बहा करता था। ये कुछ प्राचीन अवशेष देखिए कितने जबरदस्त। ये है समय को भी जीत लेने वाला 150 साल पुराना यमुना नदी का अथाह जल प्रवाह, जिसने दिन रात मैनेज किया, जिसको रोका अंग्रेजों ने यहाँ पर, जिसको बनाया। और आश्चर्य के बाद देखिए, 150 साल में ताजे वाला बैराज कभी भी डैमेज नहीं हुआ, कभी भी ख़राब नहीं हुआ। 1990 के आसपास हरियाणा सरकार ने इस ताजे वाला बैराज को रिप्लेस करने के लिए एक नई जगह पर बैराज बनाया, जिसको हथनी कुंड बैराज कहते हैं। तब इसको उन्होंने इसका मेंटेनेंस करना छोड़ दिया, जिस कारण ये डैमेज हो गया। अदरवाइज ये कभी नहीं हुआ डैमेज। और 20 साल में हथनी कुंड बैराज 2 बार डैमेज हो चुका है, जिसकी रिपेयर भी की जाती है, मेंटेनेंस भी की जाती है। यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, देखिए उसी समय के अंग्रेजों के समय के 150 साल पुराने लोहे के गाटर, शातिर, मोटे मोटे लोहे के, ये कभी यहाँ से पानी रोका जाता था। कितना मोटा लोहा, कमाल। इनके अंदर और भी लकड़ी के लोहे के शाफ्ट डाल के यहाँ पर पानी को रोका जाता था, उसको कंट्रोल किया जाता था। ये बिल्कुल दिखाते हैं अभी। और यहाँ देखिए, ये पत्थर उस समय के कितने पुराने अंग्रेजों के बिछाए हुए। ये 2 टनल है यहाँ पर। एक टनल ये है, ये पीछे से यमुना नदी में काफ़ी लगभग 150-200 मीटर लंबी ये 2 टनल है, सुरंगे हैं ताजे वाला में, आज भी आप देख सकते हैं इनमें। एक चीज देखो, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है टनल में, सांस लेने बिल्कुल आसानी से आ रहा है, ठंडक महसूस हो रही है। पानी है, नमी भी रहा पानी इनमें, आज भी नमी है, पानी है। और देखिए इसी एक टनल में मैं हूँ, लगभग 150 साल पुरानी अंग्रेजों की। और ये अपने आप में एक अद्भुत रोमांच है, ताजे वाला बैराज को विजिट करना, इसको देखना। यहाँ इतनी जबरदस्त लोकेशन है कि शायद यह फिल्मों की और सीरियल्स की शूटिंग हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। और यहाँ से देखिए, ये टनल ऐसे शेप लेती है, मुड़ती हुई आगे जाती है, इसमें घुमा रखी है। तो ये अंग्रेजों ने सिस्टम बनाया था, शायद सीधा प्रवाह पानी का नहीं रखना चाहते थे, ताकि फोर्स से और उसको घुमाकर पानी जाता था। पत्थर मजबूत दिला रखे, बिल्कुल सही कह रहे भाई। अभी तक भी इधर ये टनल दिखाऊं मैं आपको, ऐसी एक टनल इधर है, ये अंग्रेजों ने किस व्यवस्था के कारण बना रखी है। इस टनल से आप दूसरा छोर देख सकते हैं, ये करीब 150 या 200 मीटर लंबा टनल है। पानी आ रहा है इसमें, पूरा पानी आ रहा है, पूरा पानी। हाँ जी हाँ, इसमें पानी आज भी है। और ये देखिए पूरा हरियाणा इसी नदी के ऊपर भी आधारित था, इस नदी के जल से सींचते थे खेतों को। बिल्कुल सही कहा। और जब इसमें पानी आता बहुत ज्यादा तो गाँव के गाँव डूब जाते थे। दरअसल हरियाणा में सिंचाई व्यवस्था इतनी पावरफुल नहीं थी, पानी की कमी रही है हमेशा से। और इसी कारण अंग्रेजों ने यहाँ पर 1860 ईस्वी के आसपास ये प्रोजेक्ट शुरू किया यमुना नदी पर इस बैराज को बनाने का। इसी कारण हरियाणा में जो भी सिंचाई व्यवस्था नहरों की आज आप देखते हैं, या छोटे मोटे रजवाहों की, वो सभी यमुना नदी का जल है जो कि यहाँ से जाता था। और ऐसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पर यमुना नदी को बंद कर दिया जाता था, मार दिया जाता था, और नहरों को जीवन दान दिया जाता। देखिए क्या मोटे मोटे पिलर भाई, देखिए पानी कहाँ से आया हुआ है।
सुनो भाई देखो इधर पानी निकल रहा है इसमें से कहां से कुछ नहीं साथ में जब पानी आता था नियम ना मैं तो गांव में गांव डूब जाते थे दिल्ली तक के सारे गांव सुना हमने भी इलाहाबाद में जाके निकलती है ये यमुना बिल्कुल यहाँ के बाद गंगा नदी मिलती है ठीक बात है और एक देखिए इसमें कहीं कहीं है ना जल है पानी निकल रहा है और जबकि पानी का कोई सोर्स नहीं है यहाँ अद्भुत कारीगरी है आश्चर्य है ये बनाया हुआ ताजीवाला डैम 1999 में इसको अबेंडन कर दिया गया और नए बांध ताजीवाला बैराज को छोड़कर हथनीकुंड बैराज पर मशीनरी सरकारी वहाँ अमला इस्तेमाल होने लगा काम करने लगा इसी कारण आज ये बैराज वीरान है अनाथ पड़ा हुआ है यहाँ बेरौनक है। कभी लोग बताते हैं कि यहाँ पर दिन रात रौनक रहा करती थी यहाँ एक केबल कार हुआ करती थी जो इस बैराज के ऊपर से जाती थी हरियाणा से यमुना के पार करती उत्तर प्रदेश में यहाँ लोगों का हर समय जमावड़ा रहता था यहाँ लोग दूर दूर से पिकनिक स्पॉट के रूप में इसको इस्तेमाल करने यहाँ पर आते थे। आज ये केवल वीरान है कुछ यहाँ भैंस चराने वाले आसपास के गांव के लोग या कुछ मछली पकड़ने वाले लोग यहाँ पर आते हैं। पानी के बाव हो गए कारण ये पत्थर भी चिकना हो गए बिल्कुल ये पानी के कारण हो रहे चिकने बिल्कुल ये हाँ कभी बहुत स्पीड से दरअसल हम टनल के बिल्कुल बाहर हैं तो यहाँ स्पीड से इतना पानी चला करता था कि देखिए भारी बहुत भारी ये कम से कम हो सकता 200-300 से लगा पत्थर होगा बिल्कुल उठते नहीं कोई सा पत्थर और ये इस पानी से बिल्कुल चिकने हो गए करीब 150 साल इसमें पानी लगातार बहा है यमुना नदी। ताजे वाला इस पावरफुल बैराज के कुछ टूटे हुए मजबूती के साथ लेकिन आज भी खड़े हुए अंश देखिए कितने शानदार ये किले नुमा जैसे दीवार होती हैं ये आज भी अपनी मजबूती की बेजोड़ मजबूती की गवाही दे रहे हैं। उनमें आज भी लकड़ी लगी हुई है कहीं कहीं लोहा लगा हुआ है ग्रिल सरिये लगे हुए हैं उसी समय के और देखिए उस समय ड्रिल मशीन नहीं हुआ करती थी ये कैसे उस समय लोहा और लकड़ी का इस्तेमाल इसमें किया गया है ये अपने आप में ज़बरदस्त कारीगरी है। आज भी अगर इसकी मेंटेनेंस की जाए तो यहाँ हजारों लोग शायद साल में इस जगह को देखने घूमने फिरने आ सकते हैं कि वास्तव में बड़ी ज़बरदस्त मनोहारी लोकेशन है। इधर यमुना नदी में नाम मात्र का छोटा हुआ जल जिसे आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं और उधर खाली कुछ अवशेष देखिए वहाँ कुछ और क्वार्टर्स देखिए ये सभी क्या होता था सर्वेंट क्वार्टर्स कारीगरों के कारीगर कहें सॉरी ये जो आपके इंजीनियर्स हुए या पानी वाय के जो महकमे में नहरवाई विभाग जिसे कहते हैं उसमें काम करने वाले लोगों के गार्ड के कारीगरों के यहाँ पर क्वार्टर्स होते थे रूम्स होते थे वे जो आज भी जिनके बचे हुए अवशेष कहीं कहीं हमें दिख जाते हैं इस ताजे वाले बैराज के पास। और ये हाँ जी कितना ऊंचा ये भी वो फिर से दिखा रहे हैं इधर भी मापने का था इतना जबरदस्त जल भी वहाँ तक भरकर चला है कभी और उसके नीचे अगर आप फिर आएंगे वहाँ भी देखिए लंबाई ऊंचाई बहुत जबरदस्त पानी यानी कभी इतना भी भरकर इतना जबरदस्त जल और सोच के देखिए वहाँ है थोड़ा सा और फिर कितना जल भी कभी यहाँ पर आया हुआ है कि इतने ऊंचाई पर कल्पना कीजिए कितना पानी का समुद्र यमुना नदी बहाकर लाती होगी कभी अपने साथ। और ये देखिए ये पत्थर पड़े आपको दिख रहे हैं ये पत्थर के नीचे सुरंगे हैं टनल हैं ताजे वाला बैराज की बंद पड़ी हुई आज भी 1873-60 की ईस्वी के आसपास की ये अंदर टनल से ही आप देखें इनमें कभी पानी बहा करता था और इनमें पानी को रोका जाता था बिजली बनाई जाती थी ये उस समय के अवशेष यहाँ पर आज आप देख सकते हैं। ये देखिए एक टनल का दूसरा मुहाना मैं इधर से दिखाता हूँ आपको सुरंगे हैं यहाँ पर ये भी सुरंग उधर भी कमाल है ये देखिए ताजे वाला बैराज की एक जबरदस्त सुरंग दिखाता हूँ मैं आपको ये कहाँ मैं आ गया यहाँ से और यहाँ से एक सुरंग दूसरी सुरंग तीसरी सुरंग और ये ऐसा जाता था इन टनल्स में से पानी जाता था इसको रेगुलेट करते थे यहाँ पर इंजीनियर और यहाँ से बिजली वगैरह बनाई जाती थी। आज ये वीरान है सुनसान है और यहाँ आना वैसे एडवेंचरस तो है सेफ नहीं है लेकिन आप भी कभी अगर आप कभी इस एरिया में घूमने आए देखने आए तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि ग्रुप में आए अकेले ना रिस्क लें। यहाँ देखिए आज भी लगे हुए सरिये उसी समय के ना जंग लगा है ना कोई हिला पा रहा है इन्हें मजबूती
ये पत्थर कमाल, मैं क्या कहूँ, ये था हमारा ताजे वाला बैराज का कभी कितना कभी जब ये चलता होगा यहाँ पानी वगैरह आता होगा और यहाँ आवाजाही रहती होगी लोगों की, कैसा मेले जैसा माहौल रहता होगा, पिकनिक जैसा। आदमी नहीं आवदा, इतना पानी था रहा है लगभग पानी पानी दिख रहा दूर दूर तक। ये देखिए ये एक और ऐसी टनल्स उधर निकलती है, सारी सुरंगे हैं। हाँ ये सुरंगे हैं जो यूज की जाती थी अंग्रेजों के द्वारा। ये पीछे सारा ये सौरा यहाँ पानी भरता था, ये जबरदस्त यहाँ पानी, इतना पानी कि एक समुद्र, छोटा समुद्र जिसको आप समझे, सारा कैचमेंट एरिया यहाँ स्टोर होता था, रुकता था यहाँ। ये हथनी ताजे वाला बैराज यहाँ पर उसको रेगुलेट करते थे कि कितना छोड़ना, किस नहर में छोड़ना है, कितना यमुना नदी में छोड़ना, उसके अवशेष ये आज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं।